सुल्तानपुर में भारी जनसैलाब के बीच केंद्रीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी ने कलेक्ट्रेट में नामांकन किया। नामांकन के समय भारी जनसैलाब पूरे जनपद में उपस्थित था और मेनका संजय वरुण गांधी का और मोदी का नारा लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी का नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं में उत्साह से ओतप्रोत हो करके मेनका गांधी को जिंदाबाद जिंदाबाद करते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक पहुंचाया और मेनका गांधी ने अपने वकील के माध्यम से पर्चा भरा और उसकी कॉपी मीडिया में आ गई है और समस्त पत्रकारों को उपलब्ध करा दिया गया है। मेनका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज मैं सुल्तानपुर की इस धरती पर चुनाव लड़ने आई हूं और एक माँ के रूप में आपके सामने हूं। जब कभी किसी को भी मेरी आवश्यकता महसूस हो बिंदास मेरे नंबर पर फोन कर या मुझसे रूबरू होकर अपनी समस्या को कहेगा और मैं तो कार्रवाई कर उसकी समस्या का निस्तारण करवाऊंगी। आज मेनका गांधी के नामांकन के दौरान पुलिसकर्मियों ने पत्रकारों से किया अभद्र व्यवहार, जिसमें शासन और प्रशासन की घोर निंदा करते हुए पत्रकारों ने निर्वाचन अधिकारी को कहा कि होश से ठोस कार्रवाई करें। मनोरम पांडे ने कहा कि पत्रकार भीड़ का हिस्सा नहीं है और पत्रकार की एक गरिमा होती है और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। भानु मिश्रा की रिपोर्ट। आपने नॉमिनेशन किया है, मैं जीत के लिए कितना आश्वस्त हूं? मैं सवाल नहीं समझ। मैडम आज आपने नामांकन किया, आपके मन क्या मानते हैं, किन मायनों कितनी बड़ी? मैं तो सुल्तानपुर की जनता हूँ, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हर एक से हम लोग बात करके हम उनका वोट मांगें, ये हमारा काम, जितना वो देंगे तो उनके ऊपर। मैम आपने बीच में ही दौरा रोका है, क्या मुहूर्त का मामला के मुहूर्त टूट रहा था? हाँ, दो दिन तक आपके ऊपर क्या टाइमिंग क्या थी? नहीं, हम मैं चाह रही थी कि 12 और 12:30 के बीच में। 48 घंटे का आपके ऊपर रोक लगी थी, तो आपको किस तरह लगता है कि लगी रोक लगी है? ये अब मैं क्रिटिसाइज करना नहीं चाहती, लेकिन